हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय सेल्फ एस के अग्रवाल, और आज अपन एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और ये लाइफ साइंस का टॉपिक रहेगा। खास तौर से कोई भी स्टूडेंट जो सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हाल ही के अंदर स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट निकला हुआ है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस से। किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट का सेम सिलेबस रहता है लाइफ साइंस का, स्टेट में और नेट के अंदर। तो उससे से रिलेटेड आज अपन एक टॉपिक के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपने कोई सीक्वेंस है, जैसे ये कोई डीएनए की दो सीक्वेंस है, इसमें भी ट्रांसपोज़ोन है, और यहां जीन है कौन सा, ट्रांसपोजेज। ठीक है, यहां भी सेम जीन है, मतलब ट्रांसपोजोन है, लेकिन यहां कौन सा है, रिवर्स ट्रांसपोजोन है। रिवर्स ट्रांसपोजोन के अंदर जनरली दो प्रकार के जीन देखने को मिलते हैं, यहां पर गैग और पोल। ठीक है, ये इसका 5 प्राइम और ये इसका 3 प्राइम, ये इसका 5 प्राइम और ये इसका 3 प्राइम। आपके पास में एक जीन ये है, इसमें देखो जो सीक्वेंस होती है दोनों एंड के ऊपर कुछ इस प्रकार की होती है, ये ट्रांसपोजोन है, यहां तक है। और ये दोनों जो है वो कैसी है, इन्वर्टेड रिपीट। यहां पर भी इन्वर्टेड रिपीट है और यहां पर भी इन्वर्टेड रिपीट है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं अपन, ये जो इन्वर्टेड रिपीट है, सबसे पहले ये जो जीन है कौन सा जीन है, यहां पर ट्रांसपोजेज एक जीन प्रेजेंट है यहां पर, ट्रांसपोजेज जीन प्रेजेंट है, इसमें सिंगल जीन प्रेजेंट होता है ट्रांसपोजोन के अंदर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, एक प्रोटीन एमआरएनए के थ्रू, मतलब यहां पर जो है डीएनए, डीएनए से क्या बनाया है एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनाया है प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सा बना है, ट्रांसपोजेज एंजाइम बना है। इसमें क्लीवेज एक्टिविटी पाई जाती है। सबसे पहले ये क्या करता है, अपनी जो टारगेट साइट, अपने जो ट्रांसपोजोन है उसके दोनों एंड को, इन्वर्टेड सीक्वेंस को क्या करता है, कट करता है, यहां पर कट कर दिया। दूसरी चीज, इस जीनोम को जहां इंसर्ट होना है, जैसे सपोज इसको यहां इंसर्ट होना है, मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा, ये एक कोई टारगेट सीक्वेंस है, टारगेट सीक्वेंस है यहां पर, टारगेट सीक्वेंस में, ये टारगेट डीएनए कहते हैं, ये टारगेट सीक्वेंस है, ये यहां पर भी इसको क्या करता है, कट करता है। ये जो टारगेट सीक्वेंस होते हैं खास तौर से पैलिंड्रोमिक, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखने को मिलती है यहां पर, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। आगे अपन इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती क्या है, इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होते हैं, ये आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले इसने क्या किया, यहां से कट कर दिया, इसको कट करते ही कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहां पर आ गई, इस प्रकार की आ गई, इसमें जीन है, और यहां कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बन गई, और यहां से कट करके इसको क्या कर दिया, यहां पर पहुंचा दिया गया है। अब यहां जाकर ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा,
यहां पर जाकर इंसर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो जीन था इसकी कंडीशन तो ऐसी आ गई, ये वाली कंडीशन हो गई, यहां से भी डैमेज और यहां से भी डैमेज, मतलब दोनों जगह से डैमेज, यहां भी इसने इसको डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया और यहां पर भी डैमेज कर दिया, दोनों को डैमेज कर दिया। इसका मतलब ट्रांसपोजोन जो होते हैं वो हमेशा लार्ज म्यूटेशन जो है वो कोज करते हैं, इसके कारण से करेक्टर्स है वो काफी हाई लेवल के मतलब ये कह सकते हैं अपियर होते हैं फिनोटाइप के अंदर, तो ये हमेशा हार्मफुल होते हैं मोर या फिर कहते हैं लार्ज चेंज करने वाली कंडीशन होती है। इसमें जीनोम की साइज जो है वो स्टेबल रहती है, क्योंकि यहां पर भी यही था, यहां से निकला यहां आ गया, लेकिन जीनोम की साइज नहीं बढ़ रही है, ना ही नंबर ऑफ ट्रांसपोजोन्स बढ़ रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है वो किसके ट्रांसपोजोन की है। दूसरी चीज अपन देखें रिवर्स ट्रांसपो रिवर्स ट्रांसपोजोन जो है उसके ऊपर कंडीशन देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं, एक तो गैग और एक पोल। ये वैसे देखा जाए तो जो रेट्रोवायरस होते हैं उसी का म्यूटेंट वर्जन है, उसी के म्यूटेशन से बना हुआ है, क्योंकि जो रेट्रोवायरस है ये रेट्रोवायरस जो है इसमें ये जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा जीन पाया जाता है ईएनबी एनवेलोप जीन, मतलब जो कैप्सिड प्रोटीन बनती है वायरस के चारों तरफ उसका जीन इसमें प्रेजेंट होता है और यहां पर वो क्या होता है एब्सेंट होता है। तो ये एक जनरल सी रेट्रो ट्रांसपोजोन की सिक्वेंस है, इसको अपन कह सकते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम वन ओपन रीडिंग फ्रेम टू, दो प्रकार के जीन प्रेजेंट होते हैं। ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब यहां पर इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सकता है, ये जो होती है रिपीटेड सीक्वेंस होती है, क्या होती है डायरेक्ट रिपीटेड सीक्वेंस, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है डायरेक्ट रिपीटेड, मतलब दोनों को सेम साइड में सीक्वेंस हो उसकी, तो रिपीटेड सीक्वेंस और डायरेक्ट रिपीटेड, तो इसे अपन कह सकते हैं डायरेक्ट रिपीट्स सीक्वेंस देखने को मिलती है दोनों साइड के। इसके अलावा और भी देखें अपन तो यहां पर कुछ और सीक्वेंस देखने को मिलती है जिसे अपन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी रिपीटेड सीक्वेंस होती है, लेकिन आगे अपन जब इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये चीज क्या है, ये भी रिपीटेड सीक्वेंस होती है। अपन बात कर रहे हैं कि मेथड क्या है रेट्रो ट्रांसपोजोन का, तो सबसे पहले देखो ये सीक्वेंस यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, सबसे पहले इसका क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे क्या बनेगा एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से दो प्रकार के प्रोटीन बनती है, एक तो ये जो गैग वाली प्रोटीन है और एक वाली एक ये जीएजी वाली और ये पोल वाली। देखो जो पोल वाली जो प्रोटीन होते हैं इनमें खास तौर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनता है एक तो एंजाइम, इसके अलावा प्रोटीएज, इसके अलावा इंटीग्रेज, इसमें तीन एंजाइम इससे बनते हैं। ये जो गैग वाला है ये क्या बनाता है जो कवर है या फिर जो कैप्सिड लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन का पार्टिकल्स बनाते हैं, जो एक वायरस लाइक कोई स्ट्रक्चर का पार्टिकल्स बनाता है, तो ये उसके कवरिंग बनाने के लिए काम आता है, कवर्ड बनाने के लिए काम आता है। अब इसका रोल नहीं बता रहा मैं, आगे बताऊंगा ये चीजें। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे ही एमआरएनए बना है तो ये पहले ये जीन काम आएगा, कौन सा एंजाइम काम आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में ये जो आरएनए है एमआरएनए है किसमें कन्वर्ट होगा सीडीएनए में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है तो उसे अपन क्या कहते हैं सीडीएनए के नाम से जानते हैं। सेम ऐसे स्ट्रक्चर इसमें कुछ देखने को मिलेगी आपको,
किसकी सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया गया है। ये हमेशा याद रखना कि जो 5 प्राइम साइड है वहां पे पाया जाता है गैग, और 3 प्राइम साइड जो है वहां पर पाया जाता है पोल। इस एंड की तरफ तो ये पाया जाता है पोल, और इस साइड की तरफ पाया जाता है गैग। ठीक है, अब यहां से जो ये जो है प्रोटीज है, इंटीग्रेज है। इंटीग्रेज का काम देखो, इसके नाम से भी है कि ये क्या करता है, इंसर्ट करता है। इंसर्ट का मतलब कोई भी टारगेट सीक्वेंस है, जैसे सपोज ये टारगेट सीक्वेंस है, टारगेट साइट, ये टारगेट साइट को क्या करता है, पहले इंटीग्रेज जो है वो कट करता है, और इंटीग्रेज इंटीग्रेट, और ये क्या करता है, इसमें इंसर्ट कर देता है। कोई भी टारगेट सीक्वेंस होती है उसके अंदर जाके इसको क्या करता है, इंसर्ट करता है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। कुछ इस प्रकार के सीक्वेंस बन जाएगी कह सकते हैं। और यहां पर एक कंडीशन आ जाएगी, रिपीटेड सीक्वेंस और ये गैग और ये पोल। इसका मतलब यहां पर इंसर्ट हो गया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो था, या रिवर रेट्रो ट्रांसपोर्ट जोन जो था, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये वहां की वही है, लेकिन एक संख्या बढ़ गई। किसके द्वारा? एमआरएनए के द्वारा एक नया रेट्रो ट्रांसपोर्ट जोन बन गया और यहां पर आकर इंसर्ट हो गया। इसका मतलब ये इससे कहीं हार्मफुल है, मतलब एक जगह डैमेज करता है लेकिन यहां डैमेज नहीं करता है। तो इसका मतलब ये ज्यादा हार्मफुल है जबकि ये लेस हार्मफुल है, क्योंकि ये एक साइट को डैमेज करता है, जिसमें जाता है केवल उसी साइट को क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसमें रेट्रो ट्रांसपोर्ट जोन का मतलब है उल्टा, तो उल्टा मतलब है यहां पर डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से वापस से डीएनए, और ये इस प्रकार से इसका मेथड होता है। इसलिए यहां से तो इसने कॉपी मारा है तो कॉपी हो गया, और यहां इसने क्या कर दिया, इसमें आकर पेस्ट कर दिया, तो इसे अपन कह सकते हैं ये पेस्ट, और यहां से कॉपी। यहां से इसने क्या किया है, कट किया, और यहां पर इसने क्या किया, पेस्ट। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं अपन, कट एंड पेस्ट, और इसे क्या कहते हैं अपन, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये थोड़ा सा आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।